गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन UPRTU प्रयागराज, BEd E01 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग के अंतर्गत आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एजुकेशन मीनिंग कॉन्सेप्ट, और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे आपसे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो आज के टॉपिक के अंतर्गत जो मैंने पाठ्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों में फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, जिसमें हम मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है और कब से हुआ है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है, सेकंड, जिसमें मैं बात करूंगा शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, कि किसने किस तरीके से मनोविज्ञान को परिभाषित किया है और मनोविज्ञान के बारे में उनकी क्या राय है। तीसरा जो मेरा उद्देश्य है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। हम बात करेंगे मनोविज्ञान के नेचर के बारे में, किस तरीके से नेचर के अंतर्गत मनोविज्ञान में बदलाव आ रहा है और किस तरीके से मनुष्य मनोविज्ञान को एक्सेप्ट कर रहा है और किस तरीके से मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। चौथा मेरा जो उद्देश्य है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोविज्ञान कौन कौन से क्षेत्रों में या किन किन क्षेत्रों में मनोविज्ञान कार्य कर रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और पांचवा जो मेरा पॉइंट है वो है शिक्षा तथा मनोविज्ञान के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बिना शिक्षा के मनोविज्ञान में जो चीज़ें घटित होती हैं वो संभव नहीं है, और इसके बारे में हम आज बात करेंगे। उद्देश्यों के साथ साथ जो पाठ्यक्रम का आउटकम्स है या पाठ्यक्रम का जो परिणाम है उसके बारे में मेरे जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो टॉपिक है उसका आउटकम्स क्या निकलेगा या आउटकम्स क्या होगा उसके बारे में बता देता हूं। हम शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा को परिभाषित करेंगे और किस तरीके से मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया है इसके बारे में हम सीखेंगे। दूसरा पॉइंट है मेरा शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा से संबंध किस प्रकार से कोरिलेट किया गया, किस तरीके से समझाया गया, किस तरीके से बताया गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को किस तरीके से हमें समझना है, किस तरीके से हम समझ सकेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। चौथा मेरा जो पॉइंट है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, यानी कि यूटिलिटी जो है, यानी कि मनुष्य व्यक्ति में या एक बच्चे में शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे, समझ सकेंगे कैसे। चलिए हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में, यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या है मनोविज्ञान का अर्थ, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान दोनों ही एक दूसरे से काफी निकट हैं, यानी कि काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ में उनका संपर्क है, ये चीज़ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बालकों के व्यक्तित्व में एक ऐसा सर्वजन विकास करने से होता है जिससे वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सही ढंग से समायोजन करने में सफल हो सके। इसका मतलब ये है कि एक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य है वो बालकों के व्यक्तित्व में विकास करना है, और बालकों के व्यक्तित्व में विकास हम किस तरीके से कर सकते हैं ये शिक्षा से ही क्या है संभव हो सकता है। क्योंकि जब बच्चा शिक्षा के संपर्क में आता है, यानी ज्ञान के संपर्क में आता है, या बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे करके बड़ा होता है, और जब धीरे धीरे करके बड़ा होता है तो उनके उसके ज्ञान का जो स्तर होता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, उसका लेवल बढ़ता है।
सीखने का जो स्तर होता है वो बढ़ता है, और जब सीखने का स्तर बढ़ता है तो बच्चे के व्यक्तित्व में अपने आप स्वतः ही विकास होने लगता है, और बच्चा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करता है, और जब कार्य करने का प्रयास करता है तो कार्य के बीच में जो उसे समायोजन करना पड़ता है, वातावरण के साथ में समायोजन करता है, समाज के साथ में समायोजन करता है, क्लास में यानी कि कक्षा कक्ष के दौरान छात्रों के साथ में यानी कि अपने साथियों के साथ में समायोजन करता है, अगर एक बालक इस समायोजन में सही ढंग से अपने आप को परिपक्व कर लेता है तो वो प्रत्येक क्षेत्र में सफल होता चला जाता है। यानी कि उसके जीवन में कठिनाइयां तो आ सकती हैं, लेकिन अगर बालक उन कठिनाइयों से होकर गुजरेगा और वातावरण के साथ में अपने आप को समायोजित करता चला जाएगा, ढालता चला जाएगा, तो सफलता उसे मिलती चली जाती है। इसलिए बालक के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों का प्रयोग कर शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाता है। यानी कि शिक्षा में मनोविज्ञान के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिकों ने नियम निर्धारित किए हैं, जिन सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है, अगर एक बालक उन नियमों को अपने जीवन में धारण कर लेता है और उन नियमों और उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है, तो मनोविज्ञान उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान परोक्ष रूप से शिक्षा को अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति करने में मदद करता है। यानी कि एक बालक अगर मनोविज्ञान के सिद्धांतों को धारण करता है, मनोविज्ञान के नियमों को धारण करता है, तो कहीं ना कहीं बालक के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मनोविज्ञान प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका को निभाता है और उस बालक के सफल होने में एक महत्वपूर्ण जो मनोविज्ञान की जो भूमिका होती है, उस महत्वपूर्ण भूमिका के अंतर्गत मनोविज्ञान का एक अहम रोल होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में मानवीय बच्चों को महत्वपूर्ण मानकर सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक कक्षा कक्ष में डिफरेंट टाइप्स के बच्चे शिक्षण को ग्रहण करते हैं और एक शिक्षक को संपूर्ण बच्चों के पूर्व ज्ञान, बुद्धिलब्धि और सीखने के स्तर को ध्यान में रखकर सीखने एवं सिखाने की जो प्रक्रिया है उसे संपन्न करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के सीखने का जो स्तर होता है वह अलग अलग मापा गया है, क्योंकि बच्चे में बुद्धि लब्धि का जो स्तर होता है वो अलग अलग मापा गया है। इसलिए कक्षा कक्ष में सीखने का जो स्तर होता है वह भी अलग अलग होता है।
इसलिए हमेशा एक शिक्षक को सीखने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में बच्चे के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर ही संपन्न करना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक और छात्र के बीच में जो संबंध होते हैं वह कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एक शिक्षक का प्रथम दायित्व होता है कि बच्चे के साथ में शिक्षण कार्य के दौरान अंतःक्रिया यानी कि जो कनेक्टिविटी है उसको बनाए रखना, क्योंकि शिक्षक का काम होता है बच्चे को समझना, और अगर कक्ष के दौरान कक्षा में डिफरेंट टाइप्स के बच्चे यानी कि डिफरेंट आईक्यू लेवल के बच्चे अगर कक्ष में उपस्थित हैं तो हमें सभी बच्चों के आईक्यू लेवल को ध्यान में रखकर ही शिक्षण को यानी कि शिक्षण कार्य को संपन्न करना चाहिए। इसलिए शिक्षक और छात्र के बीच में हमेशा अंतःक्रिया होती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होगी तो हम बच्चे के बारे में, बच्चे के आईक्यू लेवल के बारे में, बच्चे के वर्तमान ज्ञान के बारे में समझ सकेंगे कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। या बच्चे को सीखने में कठिनाई हो रही है, अगर बच्चे को सीखने में कठिनाई हो रही है तो एक शिक्षक को अन्य शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षण कार्य को संपन्न करना चाहिए, ताकि जो अन्य बच्चे हैं जिनका सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम बुद्धि लब्धि है या सीखने में कहीं ना कहीं सामान्य बच्चों से थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं, तो हमें सभी बच्चों के साथ में अच्छे संबंध को विकसित करना है, और शिक्षक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक शिक्षक को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए यानी कि क्रियाशील रहना चाहिए। हमेशा कक्षा में छात्रों को क्रियात्मक कार्यों के प्रति यानी कि शिक्षा में या शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक शिक्षक को विभिन्न प्रकार के जो एक्टिविटीज कक्ष में करवाई जाती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और आगे बढ़कर बच्चे कार्य करें इसके लिए हमें उन्हें उत्साहित करना चाहिए। जबकि शिक्षा में या शिक्षा के अंतर्गत छात्रों के सर्वांगीण विकास पर हमेशा हमें बल देना चाहिए, यानी कि हमें छात्रों का संपूर्ण विकास करना है, हमें बच्चों को
संपूर्ण विकास के लिए हमें बच्चों को तैयार करना है। यहाँ पर बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास और नैतिक विकास, संपूर्ण विकास हमें यहाँ पर बच्चे का क्या करना है, विकसित करना है। और ये संपूर्ण विकास तभी संभव हो सकता है जब हम बच्चे के संपूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसलिए कक्षा कक्ष में बच्चे के साथ में हमेशा अंतःक्रिया करते रहना है और छात्रों को ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो। शिक्षा मनोविज्ञान उन मूल्यों, आदर्शों एवं मानकों की प्राप्ति में सहायता करता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा एक साध्य है तथा शिक्षा मनोविज्ञान उसका एक साधन है। अभी हम बात कर रहे थे बच्चे के संपूर्ण विकास के बारे में, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे कर सकते हैं, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी हम बात कर रहे थे। और ये विकास तभी हो सकते हैं जब बच्चे के अंदर हमें मूल्यों का अर्जन करना होगा। और जब बच्चों के अंदर हम मूल्यों का अर्जन कर देंगे, मूल्यों का विकास कर देंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे का संपूर्ण विकास धीरे धीरे संपन्न होने लगता है। और इन मूल्यों को प्राप्ति में मनोविज्ञान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मनोविज्ञान के अंतर्गत जो शिक्षा है, शिक्षा से ही मनोविज्ञान संभव है और मनोविज्ञान शिक्षा के साथ में ही संपन्न होता है। इसलिए शिक्षा को एक साध्य के रूप में कहा गया है कि शिक्षा एक साध्य है तथा शिक्षा मनोविज्ञान उसका एक साधन है। यहाँ पे मैंने मनोविज्ञान को डिफाइन किया है थोड़ा पॉइंट्स में, उसको समझ लेते हैं हम। पहला पॉइंट में दिया है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। आज अगर हम वर्तमान की बात करें, 21वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया है, यानी कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। और ये जो व्यवहार में परिवर्तन होता है व्यक्ति में, ये शिक्षा मनोविज्ञान से ही संभव हो सका है, क्योंकि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। इसके बाद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। इसके साथ फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। और आज वर्तमान में 21वीं शताब्दी में हम मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि मानव के व्यवहार को मेजर करना, मापना मनोविज्ञान में संभव हो सका है। लेकिन इससे पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, जिन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, क्योंकि इन सभी सिद्धांतों को मापना संभव नहीं था, इसलिए इन परिभाषाओं को मनोवैज्ञानिकों ने खंडन कर दिया। और आज हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं।
वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि हम मानव के व्यवहार को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसलिए शिक्षा में मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो मानव व्यवहार है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान खोज तथा निरीक्षण से प्राप्त तत्वों का संग्रह है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत खोज और निरीक्षण, क्योंकि यहाँ पे जो खोज है यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत रिसर्च पहले भी होती थी और आज भी होती है। हम नए नए खोज कर रहे हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, इसलिए मनोविज्ञान को खोज तथा निरीक्षण से प्राप्त तत्वों का संग्रह कहा गया है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक समस्याओं का समाधान अपनी स्वयं की पद्धति से करता है। बिल्कुल, यहां पर जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक समस्याओं का समाधान अपनी स्वयं की पद्धति से करता है। मनोविज्ञान ने कभी किसी दूसरे की पद्धति को नहीं अपनाया, मनोविज्ञान स्वयं बच्चे को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद बच्चे के अंदर कौन सी समस्या है, इस समस्या को जानकर बच्चे के लिए क्या उपचार देना चाहिए, उस उपचार को भी करना संभव किया है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध शिक्षा के सिद्धांत एवं समस्याओं से है। यहां पर हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की, और मनोविज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध शिक्षा के सिद्धांतों एवं समस्याओं से है, क्योंकि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बच्चे की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सी समस्या है, और जब हम उन समस्याओं का पता लगा लेते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा उपचार करना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए बच्चे को, ये करना संभव हो पाया है। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शैक्षिक प्रक्रियाओं की समस्याओं एवं सिद्धांतों के अध्ययन से है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शैक्षिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उन शैक्षिक प्रक्रियाओं को हमें कैसे संपन्न करना है और उन शैक्षिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने में कौन कौन सी समस्याएं सामने आ रही हैं और उन समस्याओं को हमें कैसे हल करना है, ये हमें क्या करना है, इन सारी समस्याओं का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित समस्याओं का विवेचन करने, विश्लेषण करने एवं मनोवैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बात करते हैं डेफिनेशन में, एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्किनर। स्किनर की डेफिनेशन है और उन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया है इसके बारे में हम बात करते हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है स्किनर की, और उन्होंने बताया कि एक बालक किस तरीके से सीखता है और उससे
सिखाने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, उस प्रक्रिया का कैसे हमें अध्ययन करना है, ये स्किनर ने बताया। दूसरी डेफिनेशन है जेम्स ड्रेवर की। उन्होंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होती है। यानी कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक जो नियम है, जो उस नियमों को हमें कैसे लागू करना है, और अगर एक बच्चा मनोवैज्ञानिक नियमों को धारण कर लेता है तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और रिजल्ट के बाद उसे हमें अन्य लोगों में कैसे अप्लाई करना है, कैसे उपयोग करना है, अगर इन सारे चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो यहाँ पर शिक्षक से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तीसरी डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। और उन्होंने बताया कि बच्चा जो जन्म लेता है और जन्म लेने के उपरांत जब बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आता है, तो बच्चे की जो लर्निंग है स्टार्ट हो जाती है। कहां से? परिवार से, समाज से, वातावरण से। और बच्चा जो सीखता है, सीखने के अनुभवों को वो क्या करता है, आगे यानी कि नवीन ज्ञान में, नवीन ज्ञान के सीखने में वो पूर्व के अनुभवों को क्या करता है, धारण करता है, अपनाता है। इसलिए क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान को व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का जो वर्णन किया है, जो व्याख्या की है, इस व्याख्या को यहां पर प्रदर्शित किया गया है। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉस्निक के अनुसार। उन्होंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, उन सिद्धांतों को क्रम अनुसार अगर हम अपनाते चले जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो परिणाम निकल कर आता है, वो हमेशा पॉजिटिव निकलता है। जब पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा तो कहीं ना कहीं हम पूर्व के अनुभवों को क्या करते हैं, आने वाली कठिनाइयों में, आने वाली समस्याओं में या नवीन कार्य में हम पूर्व के अनुभवों को क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टीफन के अनुसार। और स्टीफन की जो डेफिनेशन है, उन्होंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है स्टीफन के अनुसार। और उन्होंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। जो शैक्षिक विकास है,
जो शैशवावस्था से बच्चे का जो शैक्षिक विकास जो प्रारंभ होता है और शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था किशोरावस्था एक क्रमबद्ध तरीके से जो शैक्षिक विकास का एक जो स्तर है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है और इस क्रमबद्ध अध्ययन को ही स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कहा है। नल तथा अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया नल तथा अन्य लोगों ने क्या बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया उससे परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार से संबंधित है। जो मनोविज्ञान है कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं समाज में जो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं और उन समस्याओं से जो बच्चा सीखता है कहीं ना कहीं शिक्षक की उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया और उससे परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आगे नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। यह विज्ञान अपनी विभिन्न खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है तथा वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग उससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए करता है जिसका उद्देश्य उन सभी संभावनाओं का पता लगाना है जो उन समस्याओं के समाधान में उत्तरदायी होती हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों नियमों तथा विधियों का शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है और मानव व्यवहार के संशोधन में सहायक होता है। अगर हम नेचर की बात करें मनोविज्ञान की नेचर की बात करें हम तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो मेरा पॉइंट है जिसमें मैंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों नियमों तथा विधियों का शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है। परिस्थिति कोई भी हो कोई भी परिस्थिति हो बच्चा अगर मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अपनाता है मनोविज्ञान के नियमों को धारण करता है और मनोवैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत अगर शैक्षिक प्रक्रिया को संपन्न करता है तो सीखने में उसे कठिनाई नहीं होती है और धीरे धीरे करके उसके व्यवहार में यानी कि मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान मानव के केवल शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करता है और शैक्षिक व्यवहार में सीखना है तथा सीखी गई क्रियाओं का मानव जीवन में प्रयोग करना आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहां पर अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान मानव के केवल शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करता है क्योंकि हम
शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें, अब जब शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें तो यहाँ पे शैक्षिक व्यवहारों का ही अध्ययन करेगा, इसलिए यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान मानव के केवल शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन कर रहा है कि बच्चे को सीखने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है, बच्चे का बुद्धि का जो स्तर है वो कितना है, बच्चा सीखने में कितना समय लेता है, सीखी हुई चीजों को बच्चा कितने समय में भूल जाता है। अगर बच्चा दोबारा उस चीज को स्मरण करता है तो बच्चे को वो चीज याद आती है कि नहीं आती है। तो यहां पर सिर्फ शैक्षिक व्यवहारों का ही अध्ययन किया जाता है क्योंकि हम शैक्षिक मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, और जब हम शैक्षिक मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो यहां पर शैक्षिक व्यवहार में जो सीखी गई क्रियाएं होती हैं, उन सीखी गई क्रियाओं को मानव जीवन में प्रयोग करना ही शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट है, शैक्षिक मनोविज्ञान सीखने की व्यवहारिक समस्याओं पर तकनीकी परामर्श प्रदान करके अध्यापकों, अभिभावकों तथा शिक्षा शास्त्रियों का मार्गदर्शन किया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखने की व्यवहारिक समस्याओं पर जो तकनीकी परामर्श देना चाहिए दिया जाता है, और उस तकनीकी परामर्श में अध्यापक भी शामिल होता है, अभिभावक भी शामिल होता है, छात्र भी शामिल होता है, और शिक्षा शास्त्री जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी शामिल होते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान में बार बार प्रयोग किया जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान इसमें मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। चौथा पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की भांति व्यवसायिक व्यवहारिक रूप से उपयोगी है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की भांति व्यवहारिक रूप से उपयोगी है। व्यवहारिक रूप से इसलिए उपयोगी है कि मनोविज्ञान का हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, सभी क्षेत्रों में मनोविज्ञान का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहां पर बालक में जो निहित योग्यताएं होती हैं, जो बालक में पूर्व में अर्जित जो ज्ञान होता है, सीखने की जो क्षमता होती है, उन क्षमताओं का संभावित विकास किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। पांचवा पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधियों के द्वारा बालक के व्यवहार और समस्याओं का अध्ययन करता है। शिक्षक और छात्र के बीच में जो कार्य कारण के संबंध होते हैं, उन कार्य कारण के संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है, और उस अध्ययन में जो मूल समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे करना है, उन समस्याओं का समाधान कैसे खोजना है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, फील्ड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र स्पष्ट करते हुए स्कीनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसका संबंध उन मानव व्यवहार
और व्यक्तित्व के अध्ययन से है, जिसका उत्थान, विकास और पथ प्रदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा ही संभव होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को सीमित करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि मनोविज्ञान का यह क्षेत्र एक प्रकृति के विकास से होकर गुजरता है। स्कीनर ने यहां पर बताया कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार के शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है कि बालक सभी परिस्थितियों में समान रूप से सीखता है कि नहीं सीखता है, या सिर्फ बालक एक ही प्रकार की परिस्थिति में सीखता है। इसका अध्ययन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए यहां पर स्कीनर ने मानव व्यवहार के शैक्षिक या शैक्षणिक परिस्थितियों में सीखने की जो स्थिति है यहां पे उसका अध्ययन करना बताया है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो मानव के व्यक्तित्व से है। इसलिए यहां पर मानव के व्यक्तित्व का भी अध्ययन किया जाता है कि समान परिस्थिति में, समान वातावरण में, समान संसाधनों के साथ में व्यक्ति समान रूप से सीखता है या नहीं सीखता है, इसका यहां पर अध्ययन किया जाता है। इसलिए बालक के उत्थान एवं विकास में शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है उसको महत्वपूर्ण बताया जाता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को सीमित करना एक कठिन है, एक कठिन कार्य है, क्योंकि मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो विशाल है। यहां पर मेरा जो पहला पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व के संबंध में अध्ययन करना, यानी कि जो फील्ड है मनोविज्ञान का, जो क्षेत्र है मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत जो अधिगमकर्ता है यानी कि अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाना, अध्ययन करना मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए यहां पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उस अध्ययन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट है अधिगमकर्ता की बौद्धिक क्षमता का अध्ययन करना। मैंने पहले भी बताया था कि कक्षा कक्ष के दौरान विभिन्न बुद्धिलब्धि के बालक अध्ययन करते हैं और एक शिक्षक को सभी बालकों के बुद्धिलब्धि के स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य को संपन्न करना चाहिए, क्योंकि कक्षा कक्ष में जब विभिन्न बुद्धि स्तर के बालक जब अध्ययन करते हैं तो हमें सभी के बुद्धिलब्धि स्तर को ध्यान में रखकर ही शिक्षण को संपन्न करना चाहिए और उसके लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को भी प्रस्तुत करना चाहिए और समय समय पर बच्चों का फीडबैक, बच्चे की सीखने की क्षमता आदि बातों का भी अध्ययन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है यहां पे अधिगमकर्ता की रुचि का अध्ययन करना। बिल्कुल सही बात है, अधिगमकर्ता की रुचि का अध्ययन करना, मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगमकर्ता की रुचि का अध्ययन करना यह बहुत जरूरी है,
एक शिक्षक को पता होना चाहिए कि बच्चा किस सब्जेक्ट में अधिक ज्ञान रखता है, कौन सा सब्जेक्ट बच्चे को अधिक प्रिय है, किस सब्जेक्ट के विषय में बच्चा अधिक ज्ञान रखता है, किस सब्जेक्ट के विषय में बच्चे को जानकारी कम है या जानकारी का अभाव है। अगर एक शिक्षक को ये सारी बातें पता होंगी और उसके अनुरूप अगर एक शिक्षक शिक्षण कार्य को करता है तो मेरे हिसाब से जो कक्षा कक्ष का जो वातावरण होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की रुचि को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य को किया जाता है। इसलिए अधिगमकर्ता की रुचि का भी क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। चौथा पॉइंट है अधिगमकर्ता की संवेगात्मक स्थिति का अध्ययन करना। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष में, मैंने पहले भी बताया था कि कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच में हमेशा अंतःक्रिया होती है, क्योंकि अगर कक्षा कक्ष में अंतःक्रिया नहीं होगी तो शिक्षण कार्य को हम अच्छे से संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए जब शिक्षक छात्रों के साथ में संवेगात्मक रूप से जुड़ा होता है तो यहां पर हम प्रत्येक बच्चे के संवेगात्मक स्थिति को भी हम क्या कर सकते हैं, समझ पाते हैं। कि बच्चे में अभी क्या समस्या है, बच्चा क्यों उस विषय को समझने में रुचि नहीं ले रहा है, तो यहां पर हम एक शिक्षक को प्रत्येक अधिगमकर्ता की संवेगात्मक स्थिति का भी अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना। बिल्कुल, मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि अगर अध्यापक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो कक्षा कक्ष में या शिक्षण कार्य के दौरान वह अपना प्रदर्शन बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, क्योंकि शिक्षण के लिए पूर्व निर्धारित क्रियाओं को बेहतर तरीके से समझने और समझाने में जो एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। छठवां जो पॉइंट है, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। बालक क्या सीख रहा है और किस तरीके से सीख रहा है, सीखने में बालक को क्या कठिनाई हो रही है, क्या समस्या हो रही है और सीखने की प्रक्रिया में किन किन संसाधनों की बालक को आवश्यकता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है और ये मनोविज्ञान से ही संभव है। सातवां पॉइंट है अधिगमकर्ताओं के व्यक्तित्व विभेदों का अध्ययन करना। व्यक्तित्व विभेदों का अध्ययन करना, मैं आपको पहले भी बताया था कि बच्चे में विभिन्न प्रकार की बुद्धिलब्धि होती है, सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है, वैसे ही विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं। और जब विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं तो किस व्यक्तित्व में कौन सा गुण पाया जाता है, इसका अध्ययन करना भी मनोविज्ञान से ही संभव हो पाया है। इसलिए अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व विभेदों का अध्ययन भी यहाँ पे किया जाता है और ये मनोविज्ञान से ही संभव हो पाया है।
आठवां पॉइंट है बच्चों तथा किशोरों के विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना, क्योंकि किशोरावस्था तक आते आते बच्चे में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की जो स्थिति होती है लगभग आ जाती है, ये कह सकते हैं हम। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक हैं स्टैनले हॉल, और उन्होंने बताया कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव एवं तूफान की अवस्था है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा तनाव की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि बच्चा समाज के संपर्क में बहुत अधिक आ जाता है। अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को छुपाने लगता है, इसलिए बच्चों तथा किशोरों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना भी यहाँ पर बहुत आवश्यक है। नौवां पॉइंट है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यूह रचना का अध्ययन करना, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यूह रचना बनाना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमें शिक्षण कार्य को प्रस्तुत करना चाहिए, और इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। दसवां पॉइंट है विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का अध्ययन करना। मैं पहले भी बताया था कि आपको कि कक्षा कक्ष में विभिन्न बुद्धि लब्धि के बालक होते हैं, तो यहाँ पर हम विशिष्ट बालकों की बात कर रहे हैं। सामान्य बालक से बिल्कुल अलग होते हैं विशिष्ट बालक, और विशिष्ट बालकों के लिए हमें विशिष्ट शिक्षण विधियों का अध्ययन करना होता है, और उन शिक्षण विधियों से ही शिक्षण कार्य को हम क्या कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग करके ही अध्ययन कार्य को संपन्न करना चाहिए। ग्यारहवां पॉइंट है शिक्षण की विधियों, तकनीकों तथा पद्धतियों का अध्ययन करना। यहां पर मैंने आपको बताया था कई प्रकार की शिक्षण विधियां होती हैं, कई प्रकार की शिक्षण विधियां होती हैं, और किस शिक्षण विधि का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, ये भी एक शिक्षक को आना चाहिए। तकनीकों तथा पद्धतियों का अध्ययन करना, किस तकनीक के माध्यम से हमें शिक्षण कार्य को प्रस्तुत करना है, किस पद्धति से हमें शिक्षण कार्य को प्रस्तुत करना है, इसका भी यहां पर अध्ययन किया जाता है। आगे नेक्स्ट है शिक्षा तथा मनोविज्ञान का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। पहले भी हमने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है और मनोविज्ञान शिक्षा पर आधारित है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि हम चाहते हैं कि बालकों का सर्वांगीण विकास उचित ढंग से किया जाए, तो शिक्षा के साथ हमें मनोविज्ञान को भी जोड़ना होगा, यानी कि मनोविज्ञान का भी अध्ययन करना होगा। शिक्षा के साथ में हमें मनोविज्ञान का भी अध्ययन करना होगा, ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। डेविस के अनुसार मनोविज्ञान ने बालकों की क्षमताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के विकास में योगदान दिया है। इससे विद्यालय जीवन में बालकों के विकास एवं परिपक्वता का ज्ञान प्राप्त करना संभव हो सकता है। डेविस ने कितनी अच्छी बात बताई है यहाँ पर, डेविस का क्या कहना है ये चीज़ हम समझते हैं। यहाँ पे डेविस ने बताया कि मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के विकास में योगदान दिया है। ढेर सारे मनोवैज्ञानिक हुए, और ढेर सारे जब मनोवैज्ञानिक हुए तो उन्होंने कई शिक्षण की विधियों को प्रस्तुत किया है, और उन्होंने अपने अपने तरीके से बालकों की क्षमताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया। क्योंकि उन्होंने बालकों की क्षमताओं और विभिन्नताओं का क्या किया है, अध्ययन किया है उन्होंने, उन्होंने समझने का प्रयास किया है कि बालक जब शिशु अवस्था में होता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, सीखने की क्षमता क्या होती है, बाल्यावस्था में सीखने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है, और
किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते जो छात्रों की सीखने की जो क्षमता होती है वो किस स्तर तक पहुँच जाती है, इस चीज का उन्होंने क्या किया, विश्लेषण किया, अध्ययन किया है। और ये अध्ययन कब संभव हो पाया है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए जो बालक के विद्यालय का जीवन काल होता है और उस जीवन काल में बालक जो विकास की स्थिति में पहुंचता है, और धीरे धीरे करके बच्चे में जो परिपक्वता आती है वो शिक्षा से ही संभव हो पाई है। इसलिए कहीं ना कहीं मनोविज्ञान उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां पे फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया है शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के क्या है, पूरक है। मैं पहले भी बताया है, यानी क्योंकि पूरक इसलिए क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा के काम को प्रगति देने में मनोविज्ञान क्या करता है, आधार प्रदान करता है। कंटिन्यूस उस कार्य को करने में मनोविज्ञान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा पॉइंट है मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की मनोवृत्ति, रुचि, अभिवृत्ति आदि का पता लगाया जाता है और उसी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्योंकि मनोविज्ञान से ये चीज़ संभव हो पाई है कि हम एक बच्चे के मानसिक स्थिति का पता लगा सकें, है ना, बच्चे की रुचि का, है ना, बच्चे की रुचि का पता लगा सकें, बच्चे की अभिवृत्ति का पता लगा सके। ये चीज़ें मनोविज्ञान से ही संभव हो पाई हैं और इसलिए हमेशा मनोविज्ञान को हमें क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मनोविज्ञान को पढ़ना चाहिए। क्योंकि बच्चे की अगर मानसिक स्थिति का पता लगाना है, बच्चे की संवेगात्मक स्थिति का पता लगाना है, तो बच्चे के साथ में हमें क्या करना होगा, अंतःक्रिया करनी होगी, बच्चे को समझना होगा हमें, बच्चे के साथ में हमें बातचीत करनी होगी और तभी उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। चौथे पॉइंट की हम बात कर रहे थे बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। बालकों के मन, आत्मा और शरीर का विकास शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही संभव हो सकता है। छठवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। और सातवां पॉइंट है बालकों के सर्वांगीण विकास में मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये चीज़ भी मनोविज्ञान से ही संभव हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।